जैसे कि यदि इसका माइक है या मोबाइल का जो बटन है, ये देख रहे बच्चों को, यदि ये इसका मोबाइल का ये बटन है और इससे स्क्रीन का ये डिस्प्ले हो रहा, डिस्प्ले का उसका है, यदि ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा? डिस्प्ले नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तीसरी चीज, यदि आप इस माइक के इधर हथौड़ा भी मारेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, होगा? यदि इससे ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्प्ले होगा? नहीं। सेम वे व्हेनेवर यू आर स्टिमुलेटिंग दिस वर्मा पॉइंट एंड यू आर नॉट गिविंग स्टिमुलस टू द स्पेसिफिक पॉइंट, तो नहीं कुछ होने वाला, कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे कि मैं हमने किया कुछ नहीं हुआ, तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल लोकेशन ऑफ दिस मर्मा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, देखिए एक विधि तो मैंने आपको बताई थी, जस्ट यू हैव टू फोल्ड द थंब, फोल्ड द फिंगर्स एंड मेक द फिस्ट। तो जब फिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जो मिडिल फिंगर जहां टच करेगी उसको। अब कोई कहेगा मैं तो यहां करूंगा, कोई कहेगा यहां करूंगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ ज्यादा होने की संभावना है। किसी में क्या होता है कि उंगली कभी कभी तिरछी हो जाती है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो तिरछी हो जाती है, कईयों की उंगलियां मुड़ती नहीं है एज वाइज। तो इन दिस कंडीशन जस्ट वी हैव टू अप्लाई सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है? इट इज द थंब, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर। यू हैव टू ड्रॉ, देखिए पूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा ये तीन वितस्त होता है, ऐसे शरीर का एक एक अंग नपा हुआ हम लोगों ने नाप के रखा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6 उंगली। यदि हम ऐसे नापें तो क्या होगा? 4 उंगली है, 2 उंगली, सबकी 6 उंगली। तो 3 उंगली की दूरी पर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे हम, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां से जैसे स्ट्रेट खींची, यहां से यहां तक की दूरी हमने 6 उंगली देखी, 3 उंगली पे यहां पे किया तो क्या होगा? लगभग एक जो है ये क्रॉस करेगी जहां पर ये दोनों लाइन है, वहां पे क्या होगा? इतना मिडिल होगा। अब यदि मुट्ठी बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वहीं पे है, ठीक है? तो इसको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब आपको यदि इसकी आइडेंटिफिकेशन है और ऐसी ग्रेव कंडीशन कभी होती है या आपको होती है, ब्लड प्रेशर होती है, नींद नहीं आती, परेशानी हो रही है, हार्ट में ऐसा लग रहा है कि भारी पन है, सिर में भारी पन, इंस्टेंटली जस्ट यू हैव टू गिव द प्रेशर। एंड व्हाट इज द टेक्निक ऑफ दिस गिविंग दिस प्रेशर? टेक्निक है, देखिए मर्म चिकित्सा के रूप में कहीं भी हमारे शास्त्रों में कहीं मर्म चिकित्सा का नाम नहीं आता, आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं नहीं आता। हमारे यहाँ लिखा है, एक चैप्टर है महर्षि सुश्रुत ने लिखा है सुश्रुत संहिता में एनाटॉमिकल कंसेप्ट में, कि देयर आर 107 पॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड व्हेन दे आर गेटिंग इंजरी दे मे लीड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द पर्सन में टाइम, इन जगह पर चोट लगेगी तो आदमी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे या आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सिर्फ इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब हम लोग पढ़ने गए, ग्रेजुएशन करने गए, तो उस समय उम्र होती है 18 साल की, 17 साल की, जब सीपीएमटी करने के बाद बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी 18 साल की उम्र होती है, और जब उसको पढ़ाया जाता है चैप्टर में पहले दिन, पहले साल में ही, कि भाई इस पे चोट लगेगी आदमी इतने दिन में मर जाएगा, इस पे ये हो जाएगा, तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं चैप्टर, तो इसको बंद करके रख देते थे परीक्षा के समय, क्योंकि 30 नंबर का एक प्रश्न आता था, इसलिए उसी दिन उसको रटते थे और फिर बंद कर देते थे, प्रैक्टिकल के दिन देखते थे कि वो पूछेंगे कि भाई इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये पूछे जाते थे। और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू में सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस पॉइंट्स ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ द नॉन यूनियन, इन टर्म्स ऑफ द पेन, इन टर्म्स ऑफ द डिसेंसिटाइजेशन विल बी देयर, कि यदि कोई नर्व कट जाएगी तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा, यदि नर्व पे प्रेशर आ जाएगा तो क्या सीवियर पेन होगा, यदि कहीं पे गलत हम फेशियल प्लेन के अगेंस्ट हमने इंसिजन दे दिया तो क्या होगा, देयर विल बी नॉन यूनियन हो गई, क्योंकि वो जो लिप्स है वुंड्स के वो एक दूसरे के पास नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी, बट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ दिस मर्मोसाइज। तो हम लोगों ने सोचा भाई इस पर गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी होगी। तो जस्ट वी हैव स्टार्टेड द वर्किंग ऑन द रिट्रोग्रेड स्टडी एंड वी मेड द क्लासिफिकेशन, वी मेड द लिस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, कि क्या क्या लिखा है, किसमें चोट लगने से क्या होता। यदि उन चीजों का मरीज हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने उसी मर्मा को स्टिमुलेट करना शुरू किया, और जब देखा कि ये ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है तो सोचा कि इसको शेयर किया जाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट लाखों लोगों को विगत 35-40 वर्षों में जब मरीजों को देखा तो देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी परिणामदायक, तो इसको फिर इसको साइंटिफिकली वैलिडेट किया, इसको एनाटॉमिकली जाना, इसको सर्जिकली पहचाना, इसके पीछे के सारे पक्षों को जाना और कहाँ से हमारे शास्त्र से ये मिली जुली चीज़ है, इसको पहचान करके पूरे विज्ञान के रूप में हम लोगों ने इसको कोशिश की,
लगभग 12 विश्वविद्यालय के योग के पाठ्यक्रम में है। CCRS इसको एक्नॉलेज करती है। अभी एम्स दिल्ली में 2-2.5 घंटे की हम लोगों ने वर्कशॉप की। इसी ढंग से एम्स आईया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिली। BHU में 2 क्लिनिक शुरू किए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इसके क्लिनिक शुरू कराए। फैकल्टीज को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं और करीबन 6 या 7 स्टेट के साथ मेडिकल गवर्नमेंट के मेडिकल अफसर्स को ट्रेन किया। अभी उत्तराखंड के हम लोगों ने लगभग 32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया। और इसी ढंग से ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में नेपाल सरकार के हमने आयुष के मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया। इसका एक नेटवर्क हमारे पूरे देश पूरे विदेशों में है। लगभग 12 देशों में हम लोगों ने इसको इसकी वर्कशॉप कराई है और जापान के लगभग 3-4 सेंटर्स में इसका काम होता है। इसी ढंग से पोलैंड में हम लोग इसको सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको सीख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि योग के हजारों विद्यार्थी आज पूरे देश भर में देश दुनिया में ये मर्म चिकित्सा योग के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की अब तक की यात्रा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विशेष रूप से माननीय कुलपति महोदया का और यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में इन्वाइट किया और मुझे सुनने का एक मुझे आपके सम्मुख अपनी बातें रखने का अवसर मिला। मैं यही निवेदन करूँगा कि हमारा इस विश्वविद्यालय के साथ हम लोग मृत्युंजय मिशन के लोग यदि हम लोग एमओयू कर लें तो हमारे जितने योग्य विद्यार्थी हैं उनके साथ हम लोगों को ये नॉलेज को शेयर करने में बड़ी खुशी प्रसन्नता होगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ फॉर ऑल के जो हमारे एम है उसको प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइज है। साइंस कभी इसको बिलीव नहीं कर सकती बट पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ आप दे रहे हो कि फ्रैक्चर कैसे हील हो रहा है और मर्म चिकित्सा क्या कर सकती है। मतलब इट इज अमेजिंग। और अभी मैं शुक्ला जी से बात कर रही थी, विश्व शुक्ला जी बोल रहे थे मेरे शोल्डर में पेन था तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया और मेरा शोल्डर का पेन गायब हो गया। एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो हर्ड फ्रॉम अमर। तो मैं मानती हूँ सर आपका ये इस प्रकार का जो भाषण नहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम समझते पूरी यूनिवर्सिटी को बुला के हम लोग जिसमें हम शहर के लोगों को भी बुलाएं एंड सबके सामने होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए सो दैट हम सब लोग आपका मतलब इतना अच्छी चीज़ है ये। और मैं तो भी बैठे बैठे सर पर बात कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अगर किसी को कैंसर पेशेंट है उसको कितनी तकलीफ होती है। दिस इज व्हाट मेरे को एक थॉट ही आया कि हम लोग उसको ऐसा करके शायद उसको कोई कंफर्ट दे सके। तो ये सब बातें एक ऐसे साइंस है जो हम सबको सोचनी चाहिए। एंड फॉर स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू यू आर ब्लेस्ड। आप बिल्कुल सर से हर चीज़ सीखिए समझिए। और बिंदु मैम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी या तो योगा डिपार्टमेंट या जो भी आप लोग कर सकते हो इसको एक कोर्स के फॉर्म में मतलब लाइक 21 डेज कोर्स 3 मंथ्स कोर्स अगर हम ऐसे करें तो शायद हम अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हमको लगता है हमको ही कुछ पेन है सो वी कैन बिकम सेल्फ हीलर्स। कुछ हम अपने लिए ये कर सकेंगे तो बहुत सारी जो मेडिसिन तत्काल ले लेते हैं सिर दर्द हुआ तो एक गोली खा ली, एसिडिटी हुई दूसरी खा ली, फिर कुछ हुआ फिर खा ली, तो दिन भर वी आर ईटिंग एंड वी आर गिविंग लिवरेज टू दिस फार्मा कंपनीज। कितना फार्मा कंपनी हमारे बल पे ग्रो कर रही है क्योंकि दिन भर हम लोग खाने की तरह दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स विच बिंदु जी हैज गिवन टू ऑल ऑफ यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड सर हम आपकी सेवाएं बहुत लेते रहेंगे आप दोनों की। तो आप लोग जरूर से सोचते आप तो हमारे स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपको तो आनी पड़ेगा, आदर्शित हो गए आप है ना। और सर बगल में है हरिद्वार में तो हम लोग भेज के भी बुलवा लेंगे सर को है ना सर। सो थैंक यू सो मच एंड आई मीन विद द परमिशन ऑफ ऑल आई एम लीविंग। जैसा कि अभी बताया
अपना पीएचडी का वायवा यहाँ लास्ट में किया था, उसके 35 साल बाद मुझे आज यहाँ पर दोबारा आने का मौका मिला। सो आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप this function. So, as she told me that after just completing my master's from Lucknow University in Zoology, I joined PhD in Meerut University. At the time, it was not CCS University, it was Meerut University. आज इतने साल बाद आया तो पूरा लगता है माहौल ही बदल गया। बिल्कुल पहले एक सुनसान से अकेले से इलाके में हुआ करती थी और एक थोड़ी दूर पे जाके खाने का ढाबा हुआ करता था, सिर्फ एक होता था, तो हम लोग जब आते थे वहाँ खाना खाने के लिए चले जाते थे। इतने साल में बहुत सारी 35 साल 38 साल के साइंटिफिक कैरियर में काफ़ी कुछ करने को मौका मिला। लगभग 21 देशों में रहने के काम करने का मौका प्राप्त हुआ, लेकिन आज जो लखनऊ से मेरे ख्याल से कुछ लेस देन 500 किलोमीटर से यहाँ आने के मौका देने के लिए मैं वंस अगेन डॉक्टर बिंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे। आज की चर्चा अगर हम शुरू करें और जो जोशी जी ने टोन सेट कर दिया है, तो पहले तो हम समझते थे मैंने बड़ा काम किया है, बड़ा कुछ चीज़ें की हैं, लेकिन आज देखने लगा कि यार हमने तो बेकार में किया। मैंने सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद कैंसर में काम करना शुरू किया। मैंने ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की। एक चीज़ मुझे हमेशा से बड़ा होती थी कि अगर आप लोगों में से किसी ने कोई ऐसा पेशेंट देखा हो जिसकी कीमोथेरेपी की गई, तो आपने देखा होगा कि उस पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है। कंप्लीट लॉस ऑफ एयर्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग सेंसेशन ऑल द टाइम, बॉडी जिसे कहें कि बड़ी कड़ी सी टॉक्सिसिटी ही अग्नि परीक्षा उसको क्रॉस करती है। तो और 80% ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज एज एन एंटी कैंसर ड्रग्स आर देमसेल्व्स हाईली टॉक्सिक एंड मेनी ऑफ देम इवन दे कैन इंड्यूस कैंसर्स। तो ये सवाल जब हम लोगों ने अपनी साइंटिफिक चर्चा में किया तो रीजन इसका ये दिया गया, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर हम पेशेंट को दवा नहीं देंगे तो ये एक साल में मर जाएगा, अगर हम दवा देंगे तो हो सकता है इसका जीवन 4-5 साल तक खिंच जाए। लेकिन क्योंकि कैंसर आजकल इतनी कॉमन बीमारी हो गई है कि सबने आपने देखा ही होगा, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जैसे कहते हैं घर के बर्तन बिक जाते हैं, वहाँ मुश्किल पेशेंट ठीक तो हम नहीं कर पाते आज। व्हाट वी आर डूइंग इज स्टिल द मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट 5 साल तक 7 साल तक सर्वाइव कर जाता है तो उसे कहते हैं किट्स 5 ईयर का सर्वाइवल की ये दवा बड़ी कीमोथेरेपी। सो वी स्टार्टेड विद अ कंपाउंड डाइलाइन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन गार्लिक। जब हमने गार्लिक के साथ जो ड्रग डॉक्सोरुबिसिन इज अ वेरी वेल नोन वेल एस्टैब्लिश्ड एंटी कैंसर ड्रग्स, तो जो इफेक्ट हमें सपोज 10 mg की डोज पे मिलते थे वो इफेक्ट हमें व्हेन वी हैव गिवन इट विद गार्लिक वी गॉट दैट इफेक्ट एट अराउंड 4 and 5 mg। तो जब हमने डोज रिड्यूस की तो टॉक्सिसिटी रिड्यूस की। अब किसी ड्रग को आप काफ़ी ज़्यादा देर तक देते हो तो बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो जो कैंसर के केस में कहलाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब जब आप दे रहे हो बॉडी उसको एक एक्सटर्नल थ्रेट मानते हुए सेल के अंदर से बाहर थ्रो आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ ए प्रोटीन दैट इज पी ग्लाइकोजन प्रोटीन, तो उस ड्रग रिवर्सल को रोकने के लिए अनलेस एंड अंटिल ड्रग विल रिमेन इनसाइड द सेल इट कैन नॉट एक्ट। सो व्हाट वी डिड दैट वी कंबाइन टू ड्रग्स एंड गिवन विद दैट। काफी सारे लोग आप देखते हैं जैसे हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक भी खाते हैं तो कहा जाता है कि साथ बी कॉम्प्लेक्स जरूर खा लेना नहीं तो कुछ पेट गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। ये हम क्यों देखते हैं कि जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है वो जीवित रहे और हानिकारक मर जाए। इसी कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हुए हम लोगों ने एक मॉडल ड्रग को डेवलप किया जिसमें इनर कोर में ड्रग है
आउटर कोर पे कंपाउंड है जो हमारा डिस्क कंपाउंड है, देन ऑन द आउटर कट मल्टीपल रेजिस्टेंस को रिवर्स करने वाली। अब इसके साथ क्या, अब हम लोगों ने एक दूसरा कंपाउंड लिया जिसका नाम था ल्यूपियोल। ल्यूपियोल हमारे जो आम हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है इन हाई एबंडेंस, एंड इन द डिफरेंट सेट वी हैव शोन दैट इट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। सो प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ अब इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर के साथ लॉन्जिविटी बढ़ी है, तो पहले इतने केसेस हमें इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया और प्रोस्टेट कैंसर आजकल एक बड़ी कॉमन बीमारी है, एंड हम लोगों ने उस पर काम किया, 17 डेरिवेटिव्स बनाए ल्यूपियोल इटसेल्फ के, एंड उनको जब ट्राई किया तो इट कैन इनहिबिट द ड्रग टॉक्सिसिटी वेरी इफेक्टिवली। आप जब कंपाउंड अकेले देंगे तभी इफेक्टिव है, बट हाईएस्ट इफेक्टिविटी व्हेन वी हैव गिवन विद दिस कंपाउंड। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट थेरेपी की टू कीप द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, रादर देन हमारी जो बॉडी टॉक्सिसिटी से अगर कमजोर हुई होगी उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम साथ में और कंपाउंड थे। इसके साथ अब हम कस्टमाइज्ड फूड हैबिट्स यूज की करते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट फूड्स कौन किसके लिए लाभदायक होते हैं, और ये हमेशा से बड़ा एक जिसे कहें संदेह का क्षेत्र बना रहता है कि हम क्या करें। हाउ मैनी ऑफ यू बिलीव दैट जो चाय पीते हैं हम सब लोग, टी नॉर्मल, क्या इससे कैंसर ठीक हो सकता है, या चाय स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है? ये बड़ा छोटा सा 5 मिनट 3-4 मिनट का मैं आपको इंसिडेंस रिपोर्ट कर। दिस प्रॉब्लम वॉज रिफर्ड कि इन द अर्ली 90s ग्रीन टी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ब्लैक टी का चलन काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो एक यहाँ पे टी बोर्ड ऑफ इंडिया है कलकत्ता में जिसका हेड ऑफिस है, दे अप्रोच्ड अस एंड दे सेड इट इज ऑल द टी प्रोडक्ट्स, इट मे बी ग्रीन टी और ओलोंग टी और ब्लैक टी, इट कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस। अब इसकी कैसे प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ा, जो हमारा टी एक्सपोर्ट था बहुत ज़्यादा तेजी से गिरने लगा, क्योंकि जो ग्रीन टी है इट वॉज बेसिकली ग्रोन इन चाइना एंड श्रीलंका। हम लोग जो नॉर्मल काली चाय पीते हैं वो इफेक्टिव होती है। व्हेन वी डिड द केमिकल एनालिसिस एंड वी फाउंड दैट ग्रीन टी कंटेन्स ए कंपाउंड इपिगेनोकैटेचिन 3-कैरेट जो ग्रीन टी में तो मौजूद है, लेकिन जब ब्लैक टी में उसको इवेल्युएट किया तो इट वॉज अपसेट, ऑलमोस्ट अपसेट, लेस देन 1%। सो वी सॉ दैट देयर इन दोनों कंपाउंड्स की क्या केमिस्ट्री है, कहाँ से गायब हो गया कहाँ से। इसके बजाय टी के अंदर एबंडेंस, ब्लैक टी के अंदर एक एबंडेंस में कंपाउंड था दैट इज थियोफ्लेविन थियोरोजेंस जो ग्रीन टी में नहीं था। ग्रीन टी ने हमेशा ये क्लेम किया दिस बाय प्रोडक्ट इज हैविंग ईजीसीजी इपिगेनोकैटेचिन 3-कैरेट, बट ब्लैक टी डज नॉट कंटेन। पढ़ा, देयर क्लेम वाज एब्सोल्युटली राइट, ब्लैक टी में नहीं होता। किसी ने ये नहीं चेक किया कि थियोफ्लेविन और थियोरोजेंस जो है क्या इनकी इफिकेसी क्या है, दे आर इक्विपोटेंट। व्हेन वी डिड इन द लैब अगेंस्ट द कैंसर मॉडल्स एंड वी फाउंड कि चाहे ग्रीन टी कंपाउंड्स हो या ब्लैक टी कंपाउंड्स हो, दोनों की इफिकेसी बराबर है। इट वॉज द मार्केट गिविंग, उन्होंने कहा कि इसके अंदर नहीं है, एंड हेलो एटलीस्ट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु पब्लिश दिस, एंड कम से कम 10,000 पेपर्स है कि ब्लैक टी अगर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो कम ही नहीं है ग्रीन टी से। अब जहाँ पे वही सुबह से हम लोग यही बात कर रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक्स आती है वहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी हो या जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग आते चल रहते हैं, इसमें तो टेनिस होते हैं, टेनिस बड़े नुकसानदेह है, क्या इसका क्या किया जाए। द क्वेश्चन वाज वैलिड, हम चाय कैसे पीते हैं, चाय लिया अराउंड 2% जो हम चाय पीते हैं लगभग अराउंड 2% मतलब 100 ml में हम दो ग्राम पत्ती डालते हैं, खूब बढ़िया से फैलाते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक नींबू लहसुन जो होता है डाल देते हैं, किसी से कहते हैं कि इतना कड़क चाय बनाओ, बड़ा
सर दर्द कर रहा है। अगर मैं पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दूं, बाहर निकलते मेरे प्रेजेंटेशन लाया हूं, बाहर निकलते सबसे कहेंगे क्या चैट तब जो भी डाइटरी कंपाउंड्स या फूड हैबिट्स हमारी होती है, हाउ वी यूज टू मेक इट। हम चाय बनाते हैं, जैसे बताया, खोला ली, बिल्कुल तड़का लगा लिया, कड़क चाय पी, बिकॉज ऑफ दैट इज इट गिव्स स्टिमुलेशन। बट आप लोग कभी किसी के घर पे चाय पीने जाते होंगे, चाय पे जो इनवाइट करता होगा, बड़े कायदे से गर्म पानी किनारे आता है, टी बैग्स रखे होते हैं, चीनी दूध सब लाइन में रखा होता है, पानी 100 डिग्री पे बॉयल करता है। जब हम उसको कप में डालते हैं उस पानी को, उसका टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है जब उसमें चीनी दूध वगैरह डालते हैं। चाय बनाने का वो तरीका सबसे सही है, बिकॉज एट 84 डिग्री सेल्सियस दीज पॉलीफिनॉल्स गेट कन्वर्टेड इन टू टैनिंस। ओके, सो हाउ यू मेक इट, हाउ यू कुक इट, that's very important with all the vegetable products, not only this. तो जब भी हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, साहब आप लोगों से कितने लोग हैं जिनका चाय पीने से कई बार सर दर्द ठीक हुआ? एक, दो, तीन, चार, सर एक बार पीछे देख लीजिए, हाँ खुशी जी, हाँ because these polyphenols are very rich in antioxidants. अभी जब आप लोग आपका प्रेजेंटेशन देख रहे थे, मैं और किसी मैम बार बार ये बात कर रहे थे, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये कैसे हुआ। अब जब तक हम एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स नहीं देते हैं कि ये गया इसे NRF2 रिलीज हुआ, इसे माइटोकॉन्ड्रिया पे गया, यहाँ ये रिलीज किया एंड एपोप्टोसिस हो गई, सेल डेथ हो गई, तो उसे एक पाथवे एनालिसिस पूरा मानते हुए दिखाते हैं कि ऐसा हो गया। हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ऐसा किया। अब एक कंपाउंड जिससे मैंने और काम किया, जिसका नाम था 6-gingerol। ये अदरक जो हमारी नॉर्मल अदरक होती है, इसके अंदर होता है 6-gingerol। उसको हमने एक्वस एक्सट्रैक्ट्स पे भी काम किया, हमने प्योर कंपाउंड पे भी काम किया, एंड विद द ड्रग एंड विदाउट ड्रग दोनों काम किया, एंड काफ़ी बड़ा सा एक पेपर आया, बड़ा लोगों ने पसंद किया। किसी अखबार वाले ने पेपर पकड़ लिया और अखबार के मेन पेज पे, अब अदरक के सेवन से कैंसर से मिलेगी मुक्ति या कैंसर से मिलेगा, वो अगले दिन न्यूज़पेपर वंस इट इज पब्लिक डोमेन दे कैन पेपर पब्लिश पेपर कोई भी उठा सकता है। अथवा अगले दिन 4-6 आदमी हमारे ऑफिस में खड़े, सर बताइए आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया और ये कर दिया, इसे कैसे करें। अब सवाल हुआ कि वी आर PhDs, वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनीथिंग टू एनीवन। हम बंदे का एक एमएल ग्लव भी नहीं ले सकते, कुछ भी कर रहे। लकली एक टीम होती है हम लोगों के वहाँ, एक सज्जन है, ही वॉज डॉक्टर इन आर्मी एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर, और उनका ये कहना था कि उनको फायदा है। जब आए पढ़े लिखे आदमी थे, तो उनसे डिस्कशन किया, तो उनसे बातें की, कुछ समझ में आया, कोई हमने मैकेनिज्म समझा के किया, ठीक है भाई। मुझे तो लगा कि चलो छुट्टी मिली, क्योंकि प्रेस से हम लोग बहुत ज़्यादा बचते हैं, क्योंकि इस बात को आप किस तरीके से पेश करते यू नेवर नो। अब 3 महीने बाद वो सज्जन फिर मेरे पास आए, कहते हैं मेरी प्रोस्टेट का ग्रोथ का प्रोस्टेट का साइज छोटा हो गया है, अभी मैं टेस्ट करा के आ रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग। तो आपने तो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बताई, मैंने कहा हो गया, बहुत अच्छा है, आप खुद डॉक्टर हैं, इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को इसको प्रेस्क्राइब ना करें, क्योंकि हम लोगों के वहाँ कहा ही जाता है कि जो दवा के मुझे गले में हुआ था, कहने रेथ्रोमाइसिन खा लूँ, मैंने तो खा ली थी, 3 दिन में ठीक हो गई। हर आदमी इस विधा से इलाज करता है। जो आज के मॉडर्न मेडिसिन के जमाने में बहुत घातक भी सिद्ध हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, तो सबसे पहला नाम जिसको आता है, क्योंकि तो मेरे दिमाग में था टल्ली इज वेरी सेफ, पता लगा कि जिस तरह हम ट्रीटमेंट देने जाते थे, पहले लंच के बाद जाते थे जब तक एनिमल्स खाना खा चुके होते थे, लेकिन जब एम्प्टी स्टमक सुबह वो देने लगे अपने, बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल टाइम सोना कहीं और लगता होगा, तो हाईली टॉक्सिक। तो
जो भी चीज है, जैसे सर ने आज बताया मन ट्रैक, अब एवरीबडी इन दिस हॉल आई थिंक इज वेरी इंप्रेस्ड कि ना हमें दवाओं के टॉक्सिसिटी को देखना है, ना हमें 45,000 रुपए का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवाना है तो तभी शायद ठीक हो या ना। मैं अपना एक केस बता रहा हूँ, मेरे प्रताप कोई कुछ प्रॉब्लम हुई थी, 45,000 रुपए की डोज के एंटीबायोटिक लेते थे, देते थे भाई, बड़ी जान से बड़ी क्या चीज होती है। जब फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स खत्म हो गए, नहीं असर की, दे वेंट अगेन टू द फर्स्ट स्टेज, चैप्टर 1 से फिर से शुरू किया कि शायद ये बैक्टीरिया उसको एक्सपोज नहीं रहा, बस इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वो हुआ। उसी तरीके से आज के जमाने में जो मॉडर्न मेडिसिन है, हम फिर फर्स्ट जनरेशन की तरफ वापस जा रहे हैं, हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ वापस जा रहे हैं, लाइक आयुर्वेद जिसमें हम बात करते हैं। आज हमारे हर आदमी बात करता है नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो थेरेपी की, ये जो आयुर्वेदा में चीज़ें दी जाती थी दे आर बेसिकली द नैनो पार्टिकल्स। जब हम इनको देते हैं इनका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है, उनकी रीच उस पार्ट में भी हो जाती है जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करते थे, बिकॉज ऑफ देयर साइज एडवांटेज दे कैन, एंड वी फाउंड दैट दीज ड्रग्स आर एटलीस्ट 30 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल ड्रग्स। तो इस तरीके से बदलाव बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम जब कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, हम इस स्टेज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझे साइंटिफिक फील्ड में रहना था तो एविडेंस जरूर देने थे, आई यूज द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स, आई यू स्टार्टेड द वर्क ऑफ प्रोटियोमिक्स इन द कंट्री, जिसने सबसे पहले आई एस्टैब्लिश्ड ऑलमोस्ट इनिशियल फेज ऑफ प्रोटियोमिक्स इन द कंट्री, दिखाया कि इनसे फर्क पड़ता है। किन प्रोटीन का एक्सप्रेशन, जैसे सर ने सुबह बताया कि हीलिंग का क्या है, अब हम आप प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है कि वो एक्यूरेट अमाउंट में ना हो। सबसे पहले हमें इन चीज़ों के लिए एक SOP बनानी चाहिए। बहुत सारी दवाएं ऐसी थी जो हमारे एंशियंट मेडिसिन में इस्तेमाल होती थी, लेकिन हमने कहीं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपरली वो ट्रांसमिट नहीं हुई, इस वजह से या तो ख़त्म हो गई या आधे अधूरेपन से इस्तेमाल की जाती, या उसमें कुछ लोगों ने नया इनोवेशन डाल दिया कि इसके साथ ये भी कर लो, योगा भी कर लो, एंड ऑल दैट। जो सर बता रहे हैं उससे बेसिकली आपकी नर्व सेंसिटाइज हो गई, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर, दैट इज यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट टू द डोज व्हिच आर गिविंग फॉर एनी मॉडर्न मेडिसिन। सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की SOP हमारी होनी चाहिए। जब वो SOP होगी, हम भले एक डिजीज के लिए भी इस्तेमाल करें, टू डिजीज के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम इन्फेक्शन या जो शॉर्ट टर्म डिजीजेज हैं, एक्यूट डिजीजेज या क्रॉनिक डिजीजेज के अगेंस्ट इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आज की तारीख में समझता हूँ इसका उपयोग आने वाले समय की मांग है। हाँ, आज भी मैं मानता हूँ बहुत बाधाएं आएगी, फार्मा इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। मैंने इसके कई फार्मे कोई भी इंडस्ट्री हो, पेस्टिसाइड इंसेक्ट मैंने फेस किया, दैट्स व्हाई BT हिंदुस्तान में नहीं आ पा रहा, जबकि इलीगली बांग्लादेश से BT ब्रिजल खा रहे हैं, लेकिन हम अपने खेत में अगर डाल BT प्रोडक्ट उगा लेंगे तो हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री बेचारी क्या करेगी। और कई मीटिंग में बैठा, जैसे मीटिंग के बाद उससे लोग कहते हैं तो बड़ी सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें सुनेंगे नहीं। हाँ ठीक है, हमने प्रूव किया कि नहीं साहब इससे कोई जेनेटिक चेंज नहीं आएगा, ये करके देखे गए, इवन मुझे उसके स्टैंडर्ड्स खरीदने के लिए किसी से मानने में भी नहीं, नाकों चले चने चबाने पड़ते हैं, हम कैसे, जबकि CSIR जो एपेक्स बॉडी है मेरे ख्याल से साइंटिफिक रिसर्च की। तो इन चीज़ों को मार्केट में लाने के लिए हमें सिर्फ एक आदमी को नहीं, कई लोगों को, कम से कम 10 लोग भी हम लोग किसी और फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इसके प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेट करने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आप देखेंगे कि हमें इफेक्ट मिल रहा है तो लोग कोई हमें किसी और को विश्वास कराने की जरूरत नहीं, पहले हमें खुद को विश्वास कराने की जरूरत है कि इससे फर्क पड़ता है। सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आज आपने मेरे को बातें सुन कहने का मौका दिया, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, डाइट, कैंसर एक बढ़ती हुई डिजीज है जिसके डेटा आप देखते हैं, and it is one of the most preventable diseases also.
40% of the cancer is because of our lifestyle and 30% of the cancer is because of tobacco itself. So 70% चीजें हमारे control में हैं कि ना, and it is always better, prevention is better than cure. क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक बार रियाद एक सिटी है यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसमें पब्लिक लेक्चर था और उससे 3-4 दिन पहले खबर आई थी कि एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसको कैंसर हो गया और लोग हमेशा कहते थे कि बॉडी फिट होगी, बिल्कुल होगा. उस समय मैंने कहा तो फिटनेस की मेडिसिन का ऐड नहीं करता था, Thank you for this opportunity for us to be part of this international workshop, and also of course thanks to all the gurus who brought this wisdom to this world so that we can share it today and that we can benefit from it. And then also thank you for the university who made this possible, who does all the funding, all the research, and all the professors, especially our professor and doctor, Singh Kumar Yoshi. Thank you so much for hosting the workshop. And also all the organizers here, and Dr. Shakti, who is a personal teacher of mine. Thank you. I'm not speaking Hindi, unfortunately, but I think most of you do. So my name is easy to remember. My name is Maro. Maybe you know the Hindi words. So though I have Austrian parents, weirdly enough, they gave me this name, and it's a quite uncommon name. So I was always, when I was at school, I was always asked, is your name Mario? And then, no. Is your name Marco? No. What is your name? It's Maro. But nobody knew. So I went to India for the first time in 2021, and I said my name, and I expected that there was a weird reaction to it. Like, oh, where does it come from? But no, there was no reaction to it. So after asking later, the host of the hotel, he told me, oh, it means to beat. So, but I think more importantly was, why did I come to India? Why did I choose to travel to India already 3 times? What makes a country so interesting that I even wear a kurta now? So I think we have to think about the heritage that a country can give, that actually Bharat can give. And the great heritage of Bharat is not the gold that it has, at least for me, it is not the hospitality of the people, even though I enjoy it very much. But it is also not only the richness in culture, but it is for me mostly the knowledge that was distributed by the Vedas. So through this knowledge, I could heal myself. I was in my early 20s. I was depressed, overweight, and not feeling well with life. And I thought about ending it. And luckily, I could stumble upon yoga, and with the practice of yoga, with the science of yoga, thank you. But not only yoga is in the Vedas. There is so much more to learn, and that's why I'm also here, to learn more about Ayurveda and especially the Marma therapy. So I'm really honored. And I think we're all honored here to be part of this international course. Thank you very much. And I would like to end my speech with a little mantra,
I don't speak so much Sanskrit, but I think now I speak more Sanskrit than Hindi. So maybe you all are invited to chant with me one mantra for peace. So if you want, please close your eyes just for a second. Relax your spine. And then I think everyone knows this mantra. You can just follow after me.